नमस्कार, मैं आज आपको यहाँ कोरोना पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। क्या होता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह के वायरस शामिल है। अगर हम इन वायरसों को एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनकी सतह पर मुकुट जैसे स्पाइक्स दिखेंगे, इसलिए इसका नाम कोरोना, जो एक क्राउन की तरह है। कोरोना वायरस को 4 सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, 1 अल्फा, 2 बीटा, 3 गामा और डेल्टा। 1960 में इंसानों में पहली बार पाए जाने वाले कोरोना वायरस का पता चला था। कोरोना वायरस सामान्य रूप में 4 टाइप के होते हैं। दुनिया भर में लोग आम तौर पर इस 4 टाइप के कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, पर कभी कभी कुछ कोरोना वायरस जो जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं वो इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं और नया मानव बना सकते हैं। हमको कुछ असामान्य कोरोना वायरसेस के बारे में पता चला है, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS और सबसे नया नोवल कोरोना वायरस। क्या होता है नोवल कोरोना वायरस? नोवल कोरोना वायरस एक बीटा कोरोना वायरस है जो चीन के वुहान शहर से आया था। इसको सांस संबंधी बीमारी प्रकोप में जाना जाता है। वुहान शहर के मीट मार्केट से आया है कोरोना वायरस। ज़्यादातर ये वायरस जानवरों में ही फैलता है, मगर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखकर ये पता किया कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। क्या है इसके लक्षण? ये वे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि एक आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, जैसे कि सर दर्द आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश आना, बुखार आना, अस्थमा का बिगड़ना और निमोनिया होना। और क्या ये एक हवा से फैलने वाला वायरस है? संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से ही वायरस फैलता है, इसलिए संक्रमित लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। अब हम ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस से कैसा बचना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको हाथ साफ करना चाहिए और सर्दी या जुकाम हो तो मुंह पर मास्क लगाया करो, छींकते वक्त मुंह को ढका रखो और हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ किया करो। धन्यवाद।